हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास में विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स 9 क्लास का, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र। बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका नहीं पता होता, तो आज बहुत ईजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा केमिकल फॉर्मूला आप कितने टाइप से लिख सकते हो। आप केमिकल फॉर्मूला दो टाइप से लिख सकते हो, एक तो एटम्स के अकॉर्डिंग और एक उसके आयंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एक तो एटम्स के अकॉर्डिंग और एक आयंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स के अकॉर्डिंग का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कैसे पूछा जाएगा। आपको एक वर्ड में दिया जाएगा, मतलब वर्ड इक्वेशन दी जाएगी कि भाई आपको सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाइए, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला बना के दिखाइए। ये इस प्रकार से आपको क्या मिलेंगे, वर्ड फॉर्मेशन मिलेगी। ये सर हमें इसको आपके केमिकल फॉर्मूले में शो करके दिखाना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट है एटम्स के बारे में कि हम एटम्स या परमाणु के द्वारा आपका फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई एटम्स क्या होते हैं, मैंने आपको एटम्स के बारे में अच्छे से बताया भी है। और एटम्स वाले आपको फॉर्मूला लिखने के लिए, एटम्स के फॉर्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी का पता होना बहुत आवश्यक है। किसका पता होना आवश्यक है? वैलेंसी का, संयोजकता का। संयोजकता के बारे में लास्ट वीडियो मैंने आपको बहुत डीपली बताया, जिसने नहीं देखी वो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। यस, इसके साथ एटॉमिक आपको फॉर्मूला लिखने के लिए या फिर हमारा केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र एटम्स के द्वारा लिखने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी या संयोजकता का पता होना बहुत आवश्यक है। कैसे पता होना आवश्यक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। आपको दे दिया कि भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? फॉर्मूला लिखो या फिर केमिकल फॉर्मूला लिखो, रासायनिक सूत्र लिखो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड में दो चीजों का मेंशन है। किसका? सोडियम का और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का। ये तो इजी सी बात आप समझ लोगे, पहचान लोगे। अब सोडियम की वैलेंसी क्या है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, ये आपको पता होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो सोडियम है Na, इसके लिए आपके पास चार्ट में अवेलेबल आपको करा दिया था। सोडियम का नंबर कितना होता है? 11 Na। अब हम इसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि भाई पहले कमरे में दो लोग या पहले घर में दो लोग, उसके बाद दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 8 रख दीजिए, 8 और 2 10, 11 में से 10 तो सेट हो गए। कितना बचा? 1 बचा। लास्ट में कितना बचा? 1 बचा। ये होगी इसकी वैलेंसी। यस, क्या होगी इसकी वैलेंसी? होगी वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी या संयुक्तता क्या होती है, किसी भी एटम के या किसी भी परमाणु के बाह्य कोष आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित या प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? वैलेंसी या संयुक्तता कहते हैं। इसी प्रकार से सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी भाई? 1 हो गई। यस, अब हम लेते हैं क्लोरीन की वैलेंसी। किसकी वैलेंसी? क्लोरीन की वैलेंसी। क्लोरीन के बारे में आपको मैंने बताया है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। कितना? 17। अब 17 को हमें सेट करना है वैलेंसी में, ठीक है। सेट करते हैं भाई, पहले घर में दो, 17 में से 2 के 15 बचे हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 ये रखे गए। यस, 8 और 2 10। अब 17 में से 10 तो सेट हो गए, कितने बचे? कितने बचे हमारे पास? बचे 7। लास्ट में कितने आएंगे? 7 आएंगे। यस, और मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट में जो होती है वो क्या होती है? वैलेंसी होती है, संयुक्तता होती है। लेकिन नहीं सर, आपने एक बात और बताई थी कि अगर हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए, यहाँ पर संख्या आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा हो जाए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं हम 8 - n। यहाँ पर n क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यस, तो यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 - 7 = 1। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1 है, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इससे फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? हमें कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड बनाओ। क्या बनाओ? सोडियम क्लोराइड बनाओ। तो मुझे पता है मुझे सोडियम के लिए Na चाहिए, क्लोराइड के लिए Cl चाहिए, दो बातें होगी। अब इनके नीचे इनकी वैलेंसी, Cl वैलेंसी कितनी है? 1। यस, Cl की वैलेंसी कितनी है? 1 1 1 है, दोनों की वैलेंसी। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी वैलेंसी को क्रॉस कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। Na बन जा Na, Cl बन जा Cl, ये बन के तैयार हो गया फॉर्मूला।
ओके स्टूडेंट, आई होप आपको NaCl का फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट आज का समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब एक और नया फॉर्मा लेते हैं, एक नया और फॉर्मा लेके और एक नया एलिमेंट साथ को बना कर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, NaCl के बारे में आप समझ चुके, आप कोई और लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या फिर उसके अलावा कोई और ले लीजिए। हमने लेते हैं थोड़ा आसान सा HCl लेते हैं। चलिए आपको पहले हल्के से समझाता हूँ, फिर अपन लेवल पे चलेंगे। हम लेते हैं इसका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का, कि वह हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मा लिखो। आप वो कैसे लिख दूंगा मैं तो HCl, लेकिन हमें वहाँ फॉर्मेशन करके दिखानी होती है, पेपर में लिख के दिखाना होता है कैसे कैसे हमने लिया है। स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यस, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 होता है, और क्लोरीन का हमने लिखा बेबी 17 होता है, 1 में तो 1 ही रहेगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 का हमने भी करके देखा था, जिसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, इसमें तो है ही एक, तो वैलेंसी वही समझिए। ठीक है, 1 होगी। अब हमें बनाना क्या है फॉर्मूला, एच और सी एल, हाइड्रोजन का 1 सी एल का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एच बन जा एच और सी एल बन जा सी एल, ये बन गया हमारा एच का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए और फिर हम अपने आयंस वाले पर चलेंगे। स्टूडेंट, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं एटम्स का, उसके बाद हम आयंस वाले पे जाने वाले हैं। तो हम उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास इस बार एलिमेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका फॉर्म बनाना है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसमें दो एलिमेंट हो गए आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी कि Mg और O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कितना नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8, चलिए इसको कॉम्प्लीकेट करते हैं, 2, 8 और 2, 10 कितने बचे, 2 बचे, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन कितने देते हैं, ऑक्सीजन का 2, 8 में से 2 है 6, MgO, ये भी आपका फॉर्मूला बनकर तैयार है। आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आई होप आपको एटम से फॉर्मूला बनाना आ गया होगा, केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र आपको एटम के बस मन में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने सेकंड वाले टॉपिक पर आयंस पर। ओके स्टूडेंट, अब आयंस के बारे में हम बता करते हैं कि आयंस के लिए हम अपना केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख पाएंगे। उसके लिए टेबल आपको मैं शो कर रहा हूँ, इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो हमारे एटम्स होते हैं या हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कितने आयंस होते हैं, किसके ऊपर कितने प्लस आयंस होते हैं, किसके ऊपर कितने माइनस आयंस होते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर कह दी जाए कि आयंस के द्वारा या आयंस को लेकर आप केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र लिखो तो आप कैसे लिखोगे, तो आप इस टेबल का यूज करोगे। इस टेबल को आपको धीरे धीरे याद कर रहा हूँ, जो कि आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी, कोई भारी बात नहीं, इसलिए याद हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने फॉर्मेशन पर। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दे दिया गया आपको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर दे दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया मान लीजिए, यस, या फिर आपको दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक कोई सा ले जो आपको चाहिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बताता हूँ ये समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो इसमें दो बातें हैं, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। हमें पता है कि कैल्शियम को Ca लिखा जाता है और हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्साइड को OH लिखा जाता है। ये सब आपको टेबल में मिल जाएगा, टेबल में एक बार चेक कर लीजिए, आपकी बुक में भी टेबल दे रखी है। ठीक है, अब कैल्शियम के ऊपर कितने आयंस हैं भाई, कैल्शियम के ऊपर कितने आयंस हैं, कैल्शियम के ऊपर 2 आयंस हैं, कितना आयंस हैं, 2 पॉजिटिव आयंस हैं। यस, तो कैल्शियम के नीचे आप लिख देंगे 2+, 2+ के आयंस ले रहे हैं, या तो आप प्लस प्लस लिखो या 2+ लिख दो, एक ही बात है। यस, अब OH, OH के ऊपर एक माइनस आयन है, एक माइनस आयन है, 1-, एक माइनस आयन है, ये सब आपको टेबल में मिल जाएगा।
अब क्या करना होता है, सेम कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस कर दीजिए, इसको यहां, CA को 1 में करूंगा तो CA रहेगा, OH को 2 से करूंगा तो OH 2 रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां OH के साथ 2 लगाऊंगा, अगर मैं खाली HCNG 2 लगा दूंगा तो ये केवल H के साथ 2 कहलाएगा, ये केवल H के साथ 2 कहलाएगा, और अगर मैं यहां स्टार्टिंग में 2 लगा दूं ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम दो एलिमेंट या दो कंपाउंड के बीच में कोई नंबर नहीं लिख सकते प्रॉपरली। यस, तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, यहाँ ब्रैकेट लेकर 2 लगा देंगे ताकि 2 O से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 H से मल्टीप्लाई हो जाए। इस प्रकार आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये थी आपकी आयंस वाली चेक कि भाई आयंस दे रखे होंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक नया एग्जांपल मैं आपके लेके चलता हूँ। आपके पास मान लीजिए आपके पास दे दिया बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड थोड़ा अलग है आपके लिए, लेकिन थोड़ा अलग भी आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेरियम ब्रोमाइड दे दिया तो बेरियम के लिए जो प्रतीक है, साइन है, वो Ba होता है, ब्रोमाइड होता है Br, ब्रोमाइड होता है Br। आप ओके इनके बारे में बताइए, तो इनके बारे में Ba के ऊपर कितने प्लस पॉइंट होते हैं? Ba के ऊपर 2 प्लस होते हैं, Ba के ऊपर 2 प्लस होते हैं, टेबल में देख लीजिएगा। यस, तो Ba के ऊपर आप लिख दीजिए 2 पॉजिटिव आइंस। यस, और Br के ऊपर होता है 1 नेगेटिव आइंस। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आए दी जाएंगे 1 प्लस 1 माइनस होगा, 1 प्लस 1 माइनस होगा। क्यों 1 प्लस माइनस होगा, इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई प्लस माइनस कब होता है, कि भाई एक एलिमेंट हमारा प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तभी वो एक दूसरे के पास आएंगे। इस प्रकार से हमारी मैग्नेट होती है, एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट, एक एन उसका पोल और एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल को जब हम मिलाओगे तभी वो मिलेंगे। ठीक है, इसलिए एक प्लस और माइनस होने पर ही एलिमेंट हमारे पास आते हैं। यस, अब क्या करना होगा, प्लस करना होगा, बी ए को वन में करा, बी ए और बी आर टू। अब बी आर अपने आप में पूरा आपके पास एलिमेंट है, बी आर अपने आप में पूरा एलिमेंट है। आप ये नहीं कहोगे बी अलग है आर अलग है, लास्ट वाले में जो हमारा ओ एच था वो अलग थे, मतलब ओ अपने आप में एक एलिमेंट है, एच अपने आप में एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो बी आर है वो प्रॉपर एक ही ब्रोमीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें बी आर के साथ मैं इक्वली 2 लगा सकता हूँ। इस प्रकार बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बन गया बी ए बी आर 2। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई अभी भी डाउट बच रहा है, कोई कॉमेंट आप करना चाहोगे, भाई कुछ पूछना है, तो आप हमें नॉर्मली कॉमेंट कर सकते हो, आपको पता है, और इसके अलावा भी कोई डाउट बच जाए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। ये मेरी तरफ से फैसिलिटी है कि आप मुझसे डायरेक्ट भी फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।